खबर ग्रेटर नोएडा से, जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के मामले में छापेमारी की गई। खासना कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर पुलिस की छापेमारी, जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। साइट से बता दें कि 5 के प्लॉट नंबर A3/13 में चल रही थी शराब की फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर 2 लोगों के शव भी हुए बरामद। छापेमारी में 35 पेटी शराब बरामद की गई है। जहरीली शराब बनाने की केमिकल और उपकरण भी बरामद हुए हैं। कासना कोतवाली क्षेत्र में बुलंदशहर पुलिस की ये छापेमारी हुई है। जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की तो यह सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि प्लॉट नंबर A3/13 में चल रही थी शराब की फैक्ट्री, यहां पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 35 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। जहरीली शराब बरामद की गई है। जहरीली शराब बनाने के केमिकल और उपकरण को भी बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की, आबकारी विभाग ने छापेमारी की। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के मामले में छापेमारी की गई। फर्द बनाई जा रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही एक्साइज विभाग द्वारा फर्द बनाई जा रही है। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। इसके पहले कहाँ पे बनाते थे, कहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। डेड बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के मामले में छापेमारी की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजीव जुड़ गए। संजीव, क्या अपडेट मिल रहा है खबर पर? छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला यहाँ से? क्योंकि बुलंदशहर में अभी हाल ही में से जो है 5 लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद जो है कई दर्जन लोग उसमें जो है अभी जो है उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उसी के बाद जो है एक जो इनमें मैन अभियुक्त था वो कल जो है होश में आया, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया कि ग्रेटर नोएडा में बकायदा इन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है, जहां पर जो है फैक्ट्री लेकर के पूरे जो है जहरीली शराब बना रहे थे। उसी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो है 2 लाशें भी मिली हैं, जिसमें से एक अभियुक्त है जो एफआईआर में नाम दर्ज है और दूसरा उस कंपनी का जो है ओनर बताया जा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला की 2 लाशें वहां आखिरकार उन लोगों की जो है हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शराब है यहाँ से बनकर के वो कहाँ कहाँ जाती थी, क्योंकि अभी जो दारू मिली है 35 पेटी उसपे जो है जो मुजफ्फरनगर साइड का जो लेवल है वो लगे हुए थे, क्योंकि मुजफ्फर पुलिस का कहना है कि संभवतः ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र में सप्लाई के लिए जा रहे थे। क्योंकि अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी शराब की तस्करी है ये इन पंचायत चुनाव में, क्योंकि सस्ती और जो शराब है जिस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए दारू बांटी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग मिला हुआ है। इसकी गंभीरता से अगर पुलिस जांच कराए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिनेरियो और बड़ा गैंग सामने आ सकता है। जी संजीव, क्या इस दौरान छापेमारी के दौरान किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जब ये छापेमारी हुई, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन बाद में, क्योंकि बुलंदशहर पुलिस यहाँ पर आई, उसके बाद उन्होंने जो लोकल पुलिस थी उसको इसकी सूचना दी और इसमें हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं है। 2 शव जरूर बरामद हुए हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो थाना कासना है वो उसकी पुलिस क्या कर रही थी, आबकारी विभाग क्या कर रहा था और इस तरह की, क्योंकि इतना बड़ा मामला जिसको खुद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, तमाम मीडिया में ये छाया रहा और खुद जो है R9 ने पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बावजूद भी जो है जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं वो आखिरकार क्या करते रहे, उन्होंने क्यों नहीं इस पूरे मामले में गंभीरता से लिया। जी, जिस तरह से संजीव देख रहा है कि मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई स्थानीय पुलिस की द्वारा, तो साफ तौर दिखाई दे रहा है कि मिलीभगत हो सकती है ऐसे पुलिस वालों की, जो स्थानीय पुलिस वाले जो मामले में अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो फैक्ट्री ये चल रही थी अवैध शराब बनाने की, पहले भी एक फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में पकड़ी जा चुकी है, लेकिन
ये जहरीली शराब बनाने से तमाम जो लोगों की मौत हुई है और लोग इससे हो सकता है कि तमाम और लोगों की मौत जो है हो सकी हो, लेकिन वो मामले प्रकाश में ना आए हो, क्योंकि ये फैक्ट्री कब से ये दारू सप्लाई कर रही थी, क्योंकि तमाम जो केमिकल ये यूज करते हैं वो काफी घातक होते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो कट जाते हैं और इसी तरह से जो है लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कहीं इसमें पुलिस की कितनी मिलीभगत थी या ये जो लोकल आबकारी विभाग है कितनी मिलीभगत थी, ये सब जांच के विषय हैं और आखिरकार इनको गंभीरता से लेकर जो है सरकार को जांच करानी चाहिए। जी।